छावनी की राय मार्केट स्थित नोनी स्पोर्ट्स की शॉप पर दिल्ली से पहुंची टीम ने छापेमारी की। जयमा कंपनी के चेयरमैन जुगल किशोर आहूजा के नेतृत्व में टीम अंबाला पहुंची। आपको बता दें कि नकली खेल का सामान बेचने की आशंका के चलते नोनी स्पोर्ट्स पर रेड की गई। चेयरमैन जुगल किशोर ने योनेक्स कंपनी के नकली बैडमिंटन रैकेट बेचने का आरोप लगाया। दिल्ली से आई टीम के साथ अंबाला पुलिस भी मौजूद रही। पुलिस ने बरामद हुए माल को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। सनराइज स्पोर्ट्स मिस्टर करण गौर गिवन मी द मैं जुगल किशोर आहूजा दिल्ली से अंबाला आया। मुझे पता लगा कि नोनी स्पोर्ट्स पे नकली माल बेचा जा रहा है। पीछे मैन्युफैक्चरर इसको सप्लाई देते हैं, जो कि हम पहले इंक्वायरी कर चुके थे। ये डिपो बना रखा था इन्होंने पूरा ऑल ओवर इंडिया में माल सप्लाई देने का। हमारे को सनराइज स्पोर्ट्स योनेक्स वालों ने, मिस्टर करण धर ने इसके राइट्स दे रखे हैं कि ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी नकली माल बिकता है तो उसके खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। नोनी स्पोर्ट्स जी, एक्चुअल में ये पिछले से 20-25 दिन पहले एक बंदा रैकेट रख गया था फॉर सेल के लिए, हमने उसको भी पेमेंट नहीं करी, हमें भी पता नहीं था असली नकली। कंपनी के साथ रेड किया, माल मिला है जी। कंपनी के साथ रेड की है, माल मिला है, माल ये असली है, डुप्लीकेट है, कंपनी बताएगी। ये डुप्लीकेट होगा इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी जो बनती है। अभी अरेस्ट किया जा रहा है आपको? अभी तो माल कब्जे में लिया जा रहा है अभी तो जी। कंपनी बताई है डुप्लीकेट असली है, उसके बाद बात चलेगी।